दोस्तों नमस्कार, मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं उत्पन्ना एकादशी संपूर्ण व्रत कथा। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी मिलता है व्रत का पूरा फल। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती, देव कोई उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले, जगत के शरण देने वाले, सबकी रक्षा तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं। वहां जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां भाग गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ की। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक देवता से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपके ही शरण में आ रहे हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। देव, आप ही पति, आपने ही मति, आप ही कर्ता और आप ही करण हैं। आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण सुर देवताओं को जीत कर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वह दानव कैसा है? उसका रूप और बल कैसा तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंघ नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानों के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महाक्राम पराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्गलोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अनि चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उनसे दूरी बनाए हुए हैं। जनार्दन, मैं सभी बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जगन्नाथ को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं के साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवता ने देखा दैत्यराज बारम्बार गर्जना कर रहा है। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरम्भ किया। दानव भय से बिहल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्राकार प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नामक
गुफा थी जो बाहर 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था, भगवान विष्णु उसी में सो रहे। दानवमूल भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था, वह उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानों का भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह मैं इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर दानों का इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर में से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशाली तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मुड़ ने उस कन्या को देखा। कन्या युद्ध का विचार करके दानों के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मुड़ नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानों के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानों को धरती पर पड़ा देख पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया। श्री भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकोक्ति मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, जिसमें तने भी संदेह नहीं। वह कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान समस्त विक्रों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्ध देने वाली देवी हूँ। जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास न भक्त अथवा एक मुक्त होकर के मेरे व्रत का पालन फिर करें उन्हें आप धन धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु बोले, कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में द्वादशी और अंत में किसी त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिस्पर्शा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये तीनों दिन पूर्व तिथि से विद्र हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तनी तिथि से युक्त होने पर इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का प्रत्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुण ध्वज विराजमान है, जाता है। जो मानव हर एकादशी के महत्व का पाठ करता है उसे 1000 गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महत्व का शरण करता है वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। दोस्तों, हमारे आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस तरह की कहानियों के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।